15 अगस्त का दिन है और मैं दुबई वाला राजा आज के दिन की आपको बहुत बहुत बधाइयां देते हुए आपको रिव्यू दे रहा हूं आज ही के दिन रिलीज हुई फिल्म बाटला हाउस का। उस दिन क्या हुआ बाटला हाउस? क्या हम गलत थे? क्या मैं गलत था? दोस्तों ये फिल्म एक सच्ची घटना पर सच्चे ऑफिसर के ऊपर फिल्माई गई है जो कि इनकाउंटर बहुत ईमानदारी के साथ करता है। फिल्म में एक्शन सीन बहुत जबरदस्त है। मैं आपको कहूंगा कि इस फिल्म को आप जाकर बड़े पर्दे पर देखें और बहुत इंजॉय करेंगे, आपको बहुत मजा आएगा। लेकिन उसके पहले मैं आपको बता दूं कि इस फिल्म का डायरेक्टर है कौन। इस फिल्म के डायरेक्टर है मिस्टर निखिल अडवाणी, जिन्होंने अच्छी अच्छी फिल्में डायरेक्ट की हैं इसके पहले और उनकी सभी फिल्में हिट हो चुकी हैं। इस फिल्म को भी हिट होने से कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों अब बात करेंगे इस फिल्म के कलाकारों की। तो इसके मुख्य कलाकार है जॉन इब्राहिम और जॉन इब्राहिम। जी हाँ, इन्होंने खुलकर बड़े प्यार के साथ मोहब्बत के साथ इस फिल्म में काम किया है और बहुत खूबसूरत अदाकारी से अपनी कलाकारी को निभाया है। अब बात करेंगे इस फिल्म के डायरेक्शन और स्क्रीन प्ले की। इस फिल्म का स्क्रीन प्ले अच्छा है और निखिल अडवाणी ने अपना डायरेक्शन बहुत ही अच्छे तरीके से दिया है और वो पूरी तरह से कामयाब हुए। दोस्तों अब बात करेंगे इस फिल्म के म्यूजिक की। तो इस फिल्म का गाना साकी साकी बहुत खूबसूरत तरीके से फिल्माया गया है नूरा फतेह के ऊपर और उन्होंने अपनी अदाकारी को जम कर दिखाया है, पब्लिक को तालियां और सीटी बजाने पे मजबूर कर दिया है। अब ऑन द होल इस फिल्म की बात करेंगे। फिल्म में म्यूजिक सही है और एक्टिंग लाजवाब है, स्क्रीन प्ले खूबसूरत है, डायरेक्शन मजबूत है, तो फिर बात क्या बनती है कि आपको जाकर इस फिल्म को बड़े पर्दे पर देखना चाहिए। और बात निकली है अब स्टार की, तो मैं इस फिल्म को 5 में से 3.5 स्टार देना पसंद करूंगा। और मेरा आपसे ये कहना है कि अगर आपको मेरा ये रिव्यू पसंद आता है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, बटन आपके सामने है, दबाइए, सब्सक्राइब कीजिए और आइए मेरे दिल के और नज़दीक आइए। और अब आपसे मुलाकात होगी मेरी यानी कि दुबई वाले राजा की अगले किसी फिल्म के रिव्यू पर। तो अब मुझे इजाज़त दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया, बाय।